नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे बात करना चाहूंगा कुछ। आज हम ऐसी 14 जगहों के बारे में बात करना जा रहे हैं जहां पे रूहानी ताकतों का कब्जा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं हमारे पहली ऐसी जगह के बारे में। ये पहली जगह जो है ये है खूनी नदी। खूनी नदी दिल्ली के रोहनी में बहती है। ये माना जाता है कि जो भी इस नदी में जाता है ये नदी उसे अपनी रहस्यमयी शक्तियों से लील कर देती है। कई लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है जो बाद में आत्महत्या जैसा लगता है। इसका कारण आज तक लोगों को पता नहीं चल सका। दूसरा, भूली भटियार का महल। भूली भटियारी का महल झंडे वाला मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली 5 में पड़ता है। ये भी तुगलकों के शिकार की एक लॉज माना जाता है। कहा जाता है कि इसका नाम भू अली भट्टी के नाम पे पड़ा, जो महिला इसकी देखभाल करती थी, जिसे बाद में भूली भटियारी के नाम से पुकारा जाने लगा। ये महल कई सदियों से खाली पड़ा है और शायद इसीलिए इसे भूतिया जगह माना जाता है, जहां से कई तरह की आवाजें आती हैं। तीसरा, संजय वन दिल्ली में 10 किलोमीटर तक फैला है और इसे दिल्ली का ग्रीन लंग भी कहा जाता है। लेकिन इसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा ठप्पा है जो कि इसे भूतिया वन होने का कारण बताता है। यहाँ बने बहुत सारे मजार और कब्रें। इसके साथ ही किला राय पिथौर के टूटे अवशेष भी यहाँ मौजूद हैं। कई लोगों ने यहाँ रोते बिलखते बच्चों की आवाज सुनने की बात कही है, जो इसके अस्तित्व के में आने के बाद से ही है। मचला महल मचला गांव में स्थित है। ये दिल्ली अर्थ स्टेशन के पास बिस्तारी रोड सरदार पटेल मार्ग नई दिल्ली 21 में पड़ता है। ये महल जंगलों से घिरा हुआ है, जिसे दिल्ली की चोटी कहते हैं। असल में तुगलक काल में शिकार करने की जंगल थी और इसे रहस्यमयी होने की वजह के बारे में बहुत कम जानकारी है। लेकिन घने जंगलों से काफी करीब होने के कारण आप यहाँ जितना डरावना महसूस करेंगे उतना और कहीं नहीं महसूस करेंगे। जमाली कमाली मकबरा और मस्जिद मेहरौली के पुरातन विभाग दिल्ली 30 में है। यहाँ मशहूर सूफी संत जुमाली को कमाली के बगल में 1553 में दफनाया गया था। आप अगर यहाँ एक बार घुस गए तो घुसते ही आपको अजीब सी बेचैनी होने लगेगी। इसके साथ ही आपको इस तरह की आवाजें बुलाएंगी जो आप सुन सकते हैं। यहाँ पर रात में जाना बिल्कुल मना है। छठा, पहली बार फिरोज शाह कोटला किले को देखने के बाद आप इसे भूतिया जरूर कहेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं आते। यह किला फिरोजाबाद तुगलका में 1354 में बनाया गया था। यह किला बहादुर शाह जफर स्थित मार्ग पे है। इस मार्ग में एक पतली सी गली मकबरे तक ले जाती है। कहा जाता है इस किले के अंधेरे हॉलों में जिन रहते हैं। यहाँ हर बृहस्पतिवार को स्थानीय लोगों को मोमबत्ती अगरबत्ती जलाते देखा जा सकता है। साथ ही साथ लोग दूध अनाज और चिट्ठियां तक लिखकर छोड़ते हैं ताकि जिन उनकी मुरादें पूरी करें। सातवां, निकोलस की कब्रगाह शहर की पुरानी कब्रगाहों में से एक है। ब्रिटिश काल के शासन से ही यहाँ
अंग्रेज सैनिक उन्हें अपनी बीवी बच्चों को दफनाया था। यहां घुसने पर आप पिन ड्रॉप साइलेंस का एहसास करेंगे और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको लगेगा कि यहां मौजूद बड़े बड़े इमली के पेड़ों के पीछे कोई छुपा आपका पीछा कर रहा है। आप चाहें तो इन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन यहां से निकलने से पहले आप खुद को आश्वस्त कर लें कि आपके घर तक कोई आपका पीछा ना कर रहा हो। आठवां, दिल्ली रिज अरावली की पहाड़ियों में बसा एक पहाड़ी क्षेत्र है जो जंगलों से घिरा हुआ है, जहां गोरी काल के अधिकतर आयोजन हुए हैं। यहां जाने वाले आज भी फिरंगी भूतों को यहां घूमते हुए महसूस कर सकते हैं। यह जगह अपने मूडी भूतों के लिए कुख्यात है। यहां जाने से पहले यह जरूर ध्यान रखें कि इस जगह पर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है। नौवां, म्यूटनी हाउस अंग्रेजों द्वारा 1857 की लड़ाई में मारे गए उन सैनिकों की याद में बनाया गया था, जो लोग यहां चलते सैनिकों के कदमों की आवाज शाम को सुनने में सुनाई देती है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही डरावनी जगह होगी जो यहाँ पहली बार आएंगे। ये टेलीग्राफ बिल्डिंग के सामने कश्मीरी गेट दिल्ली 55 में स्थित है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 1 में स्थित घर नंबर W3 लंबे समय से खाली पड़ा हुआ है। इसी घर में दशकों पहले एक वृद्ध दंपत्ति की हत्या कर दी गई थी, तभी इस घर को भूतिया माना जाता है। पड़ोसियों का कहना है कि इस घर से लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है। ऐसा ही एक घर ग्रीन पार्क डिफेंस कॉलोनी लाजपत नगर लोधी रोड में भी है, जो कि बिल्कुल रोड के किनारे पे है। 11, दिल्ली कैंट में जो भरपूर हरियाली वाला क्षेत्र है, उस महिला का घर माना जाता है जो एक रोड एक्सीडेंट में यहाँ मर गई थी। बहुत सारे लोगों ने उसे यहाँ होने की बात मानी है। उन्होंने उसे सफेद साड़ी में देखा है। 12, करबला का कब्रिस्तान बीके तत् कॉलोनी में स्थित है, जहाँ ताजिया दफनाए जाते हैं। अगर आप इस जगह पर शाम के वक्त जाते हैं तो यहाँ पसरी खामोशी और वातावरण आपके रोंगटे खड़े कर सकता है, तो जब भी आप चाहें थोड़ा ध्यान रखें। 13, कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग घर जाने के लिए हर रात कैब का इस्तेमाल करते हैं। ये बात कही है द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन और आसपास कोई अस्वस्थ महिला उन्हें थप्पड़ मारती है और कभी उन्हें दिखती नहीं है, कभी दिखती है। ये थोड़ा अजीब सा लगता है, पर कई लोगों ने इस बात की पुष्टि करी है। ज्यादातर वो लोग जो कॉल सेंटर में काम करते हैं और रात को कैब से आते और जाते रहते हैं। लास्ट और अंतिम, दिल्ली में चार मीनार के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ध्यान रखिए और इन चीज़ों के बारे में इंटरनेट या अपने मोबाइल पे ज़रूर सर्च कीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको इससे कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो, तो आप हमारे चैनल